तो जब मैं गई पहली दफ़ा इमरान हाशमी से मिलने, तो मुझे ये लगा कि एक बहुत ही कमीना इंसान, यू कैन से इट, यू कैन से इट, ही हैज बीन सेइंग इट ऑन हिज ओन, सो इट्स ओके, बहुत ही बेशर्म और बेहया इंसान होगा. लेकिन व्हेन आई एक्चुअली वेंट टू मीट हिम, आई रिमेंबर इट वाज केडी, मी एंड सोनाली देयर, ही इग्नोर्ड मी. इन्होंने मुझे देखा तक नहीं, नज़र उठा के भी नहीं देखी. एंड देन ऑन माई वे बैक फ्रॉम हिज हाउस आई मैसेज्ड माई फैमिली दैट ही इज सच अ नाइस पर्सन एंड ही इज अ वेरी शाय गाय. वेल, ये नटवर लाल वो नटवर लाल नहीं है. मुझे पता है आप किस नटवर लाल का जिक्र कर रही हैं. मैंने बहुत बार देखा था व्हेन आई वाज इन स्कूल. एंड इसका एसोसिएशन फिल्म में एक फ्रॉड का है, एक 420 का है जिसका नाम राजा है. और वो एक आदमी को आइडलाइज करता है. और हर प्रोफेशन में एक रोल मॉडल होता है. एंड इन दिस वो अपना रोल मॉडल नटवर लाल को मानता है. इट्स नॉट अबाउट समवन, इट्स अबाउट समवन आइडलाइजिंग समवन एल्स. और अगर आप विकिपीडिया करोगे तो आपको पता चलेगा दैट ही इज़ अ मैन हु हैड सोल्ड द ताजमहल. ही हैड सोल्ड एज अ फ्रॉड, एज अ 420 एंड द पार्लियामेंट विथ ऑल इज MPs, ही हैड सोल्ड इट. नाउ हाउ ही डिड इट वो आपको फिल्म में पता चलेगा. क्योंकि फ्रॉड का भी एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंगल मुझे ये लगा कि एक छोटा फ्रॉड होता है और एक बड़ा फ्रॉड होता है. इज अ स्मॉल कॉन एंड अ लॉन्ग कॉन. तो ये सारी चीज़ें फिल्म में आप देख के आपको पता चलेगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द वे जिस तरह फ्रॉड जो होते हैं एक तरह से इल्यूजन पैदा करते हैं. सो यू हैव टू सी दैट. इंडिया मेरे लिए एक घर जैसा है. मैं पहली दफ़ा इधर नहीं आई थी, मैं इससे पहले भी इधर आ चुकी हूँ और लोगों से इंटरेक्ट कर चुकी हूँ. हम एक ही जैसी ज़ुबान बोलते हैं, हम एक ही जैसा दिखते हैं, हमारा कल्चर भी एक ही जैसा है. सो ये इंडिया पाकिस्तान का फ़र्क नहीं होना चाहिए. मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दोनों कंट्रीज़ में इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. कंफर्ट लेवल जहाँ तक काम करने में था, कुणाल देशमुख एक बहुत ही ईजी डायरेक्टर हैं. वो एक्टर को अपनी स्पेस देते हैं और उनको उनकी तरह बन के काम करने का मौका देते हैं. इमरान हाशमी के अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है. एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत फ़नी हैं, बहुत कंफर्टेबली दूसरे के साथ जलन हो के काम को डिलीवर करते हैं. तो जब आपके पास टीम अच्छी हो तो आई थिंक ये एक इंसान का काम नहीं है, ये बहुत एक टीम वर्क होता है. और मैंने जितना भी कुछ डिलीवर किया है स्क्रीन पर वो तो आप देखेंगे और फैसला करेंगे. आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ देम. बंटी और बबली एक फिल्म आई थी, उसमें भी ताजमहल को बेचने की कोशिश की थी बंटी और बबली ने. यहाँ पर नटवरलाल भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे. उसमें एक गाना भी था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, दैट्स कानपुर का एक मिठाई की दुकान है जिसका टैग लाइन है. तो कितनी समानता है या कितना डिफरेंस होगा, क्योंकि कॉन्स तो वो भी थे और कॉन्स इमरान भी होने वाले. नहीं, इफ यू लुक एट दिस फिल्म हैज गॉट नथिंग टू डू विद अ फिल्म लाइक बंटी और बबली. ओके, इट इज क्वाइट आउट एंड आउट कॉन रिवेंज ड्रामा. इट्स द स्टोरी ऑफ दिस शॉर्ट कॉन मैन जो हाथ के करतब करता है, ठीक है, जो चनी रोड के स्टेशन पे वो 3 कार्ड शफल करता है. रोज़ की कमाई कुछ 5,000-10,000 है, हरामी है, यू नो, ही लाइक्स ईटिंग इन फ्री इन रेस्टोरेंट्स. इट्स दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. एंड हाउ बिकॉज ऑफ समथिंग दैट ही डज थिंग्स गो रॉन्ग एंड नाउ ही नीड्स टू टेक ऑन दिस रियली बिग विलन विद द हेल्प ऑफ दिस वॉश्ड आउट लॉन्ग कॉन आर्टिस्ट हु विल टीच हिम कि यार दिस इज हाउ यू पुल द लॉन्ग कॉन, दिस इज हाउ एक बड़ा फ्रॉड जो है एक क्रिकेट टीम को बेचना कैसे कैसे होता है. एंड दैट इज यू नो दैट्स द फिल्म. सो It's got nothing to do with Bunty or Bubbly. And the tagline was something that I felt, I didn't know that was from the song, I was told later. It was suggested to be by the copywriter and I felt it goes really well with Raja Natwar Lal. Because journey jo hai iski, ek chote kartab artist se, all the way to someone who becomes a Raja Natwar Lal. So he's a man who can con anybody, which is why I felt the tagline works. If I had it my way, I would still do a Ek Thi Dayan and I would do a Ghan Chakkar. Bahut zaruri hai to divert from what you're doing, just to stretch your creative skills. Aur jab aap wapas aate hain apni mainstream traditional route pe, it, you know, you bring a new color to your performance and characters mein. So I liked doing those two films. Aur abhi jo character hai, it's everything, like I said, my audience has missed over the past year. We've
सब भर दी है हमने इस फिल्म में. सो इट्स एंड इट्स गॉट अ ग्रेट स्टोरी. इट्स वेरी एंटरटेनिंग द वे आई लाइक टू सी मासी एंटरटेनिंग यू नो मेन स्ट्रीम फिल्म्स. जो मसाला और जो यूएसपी आपकी है उसके लिए भी अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो यूएसपी भी आपकी बहन ने चुरा लिया है. आपकी वो भी सीरियल किसर बन अच्छा, चुकी है. अच्छा, देखिए ये जो बच्चे आए हैं ना आजकल, ये जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का मैं हेडमास्टर, टीचर और प्रिंसिपल रह चुका हूँ. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा इन लोगों को. 10 सालों के लिए फिल्म करनी पड़ेगी आपको, हर साल 4 फिल्म करनी पड़ेगी. और ऐसे डायरेक्टर्स आपको मिलने चाहिए, कुणाल देशमुख जैसे, जहाँ पे शुरुआत में लोग बोलते हैं कि नहीं इस फिल्म में किस नहीं है, और जब 30% शूटिंग खत्म हो गई तो फिर बोलेंगे यार कुछ रोमांस चल नहीं रहा है, थोड़ी पपी शप भी हो जाए फिल्म में, और फिर वो वहाँ से 10-20 काउंट चलता रहता है. Don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.